सो टर्मिनोलॉजी ऑफ द एसएफजी की बात हो चुकी है लास्ट लेक्चर में, अभी हम देखते हैं मेशन्स गेन फॉर्मूला एसएफजी का आउटकम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए, और उसी के इर्द गिर्द पूरी यूनिट घूमने वाली है, बिकॉज आपसे पूछा गया है ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कीजिए, आप फॉर्मूला लगाएंगे एंड द फॉर्मूला इज मेशन्स गेन फॉर्मूला। ठीक है, तो मेशन्स गेन फॉर्मूला, यहाँ गेन की बात हो रही है। सो व्हाट दिस मीन गेन, गेन का मतलब क्या है भाई? दिस इज नथिंग बट द गेन, कोई सा भी सिस्टम है, इसमें दिया इनपुट, ये देगा आपको आउटपुट, बट आउटपुट विल बी इनपुट मल्टीप्लाई विद द गेन ऑफ द सिस्टम। बात समझ में आ गई? तो ये गेन को डायरेक्टली फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है आपका मेशन्स गेन फॉर्मूला, और स्वाभाविक सी बात है इन एस डोमेन वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो चलिए फिर मेशन गेन फॉर्मूले पे सर सीधा आते हैं। कोई सा भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आप अभी तक देखे ना, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन टेक्निक में हम दो क्वेश्चन लिए थे, सेकंड वाला क्वेश्चन था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, और बड़े तो क्वेश्चन लेने की परमिशन थी ही नहीं। ठीक है, बड़े क्वेश्चन ले लेते, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से बनाने होते तो आपको बहुत अच्छा खासा टाइम उसमें देना पड़ता, तब जाके आंसर आता, बट अब ऐसा नहीं होगा। ठीक, मेशन गेन फॉर्मूला जो कि एसएफजी के लिए एप्लीकेबल है या एसएफजी के थ्रू उसका आंसर हम लेके आ सकते हैं, उसका हम देखते हैं व्हाट इज द मेशन गेन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये देता है टी, आपका जो गेन है या ट्रांसफर फंक्शन कह सकूं, दैट इज के टेंस टू 1 to k। ठीक है, आपका ये इट्स लाइक एन, ठीक है, n इक्वल टू 1 to k। ठीक, दिस इज नथिंग बट पी एन डेल एन डिवाइड बाई डेल, दिस इज द फॉर्मूला। नाउ व्हाट आर दिस डिफरेंट थिंग्स ओवर हियर, ये पी एन क्या है, डेल एन क्या है, डेल्टा क्या है, टी तो गेन है, ट्रांसफर फंक्शन है, n क्या है। ठीक है, हर एक चीज को समझेंगे, हर एक चीज फाइंड होगी आपके एस एफ जी से। यस, जो सिग्नल फ्लो ग्राफ बना है वहां से आप हर एक चीज की वैल्यू निकाल के लेके आएंगे और पुट करेंगे क्वेश्चन में, तो आंसर क्या आएगा आपका, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। नाउ लेट्स कम टू द पीएन, पीएन जो है ना, पीएन जो है दिस इज नथिंग बट द एंथ पाथ। ठीक है, आपके एस एफ जी में पाथ होता है क्या, तो एंथ पाथ, एंथ पाथ मतलब सपोज आपके एस एफ जी में चार पाथ है, सपोज चार पाथ हैं, तो k की वैल्यू हो गई 4, आपका n इक्वल टू 1 2 3 4, चारों को कंसिडर करेंगे तो पाथ अलग अलग n की वैल्यू के लिए क्या बन जाएंगे, p1 p2 p3 एंड p4 बनेंगे कि नहीं। तो इसका मतलब nth पाथ मतलब जिस भी पाथ के बारे में बात की जाए, दूसरा तीसरा चौथा जो भी। ठीक है, चलिए कहानी क्लियर है, nth पाथ क्या होता है, कहानी आपकी क्लियर है। नाउ लेट्स कम टू द के, के इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ पाथ। ठीक है, के क्या है, टोटल पाथ, ठीक, इन गिवन एस एफ जी, क्लियर है इतनी बात। नाउ व्हाट इज दिस डेल, ये जो डेल है ये सिस्टम का डिटर्मिनेंट है या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है, डिटर्मिनेंट घबराने की बात नहीं, हम आते हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले डेल जो है दैट इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ गिवन एस एफ जी। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। तो फिर अब हम डेल की बात करते हैं कि डेल का फॉर्मूला क्या है, वेरी फेमस फॉर्मूला, और शायद आपने पढ़ा होगा तो आपको कन्फ्यूजन भी होगा, ये अब कन्फ्यूजन कभी अपने को नहीं करना है। इस डेल को बोलते हैं सिस्टम डिटर्मिनेंट या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ द सिस्टम, और इसकी वैल्यू होती है 1 सम ऑफ लूप गेन्स ऑफ इंडिविजुअल लूप्स। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्या दिया मैंने, दिस इज नथिंग बट आपका 1 - सम ऑफ द लूप गेन्स ऑफ इंडिविजुअल लूप्स।
सपोज आपके सिस्टम में दो लूप हैं, ठीक है, दोनों के लूप गेन्स हैं, तो दोनों को ऐड कर देना, सम ऑफ द लूप गेन्स ऑफ इंडिविजुअल लूप्स, बात समझ में आ गई, प्लस यहां पे लिखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लूप गेन्स, लूप गेन्स ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स, टू नॉन टचिंग लूप्स, ठीक। मतलब क्या सीधा सा मतलब है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लूप गेन्स ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, सपोज टू नॉन टचिंग लूप्स है आपके सिस्टम में, टू नॉन टचिंग लूप्स है, इसका लूप गेन ए बी है, इसका सी डी है, ठीक है, तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लूप गेन्स, सो लूप गेन्स का प्रोडक्ट कर दो, ए बी सी डी, इनका सम, मतलब ऐसे सपोज ढेर सारे हों, एक और ले लो आप डी ई, तो ये भी है ना, सो ए बी डी ई प्लस, ये दोनों भी नॉन टचिंग है ना, तो सी डी डी ई, लाइक दिस, समझ में आ गई बात, ये है नॉन टचिंग, टू नॉन टचिंग, यहाँ पे फोकस करने की जो बात है वो है टू नॉन टचिंग, यहाँ पे फोकस करने की बात है इंडिविजुअल, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में आपका थ्री नॉन टचिंग लूप्स आ जाएगा और प्लस माइनस अल्टरनेटिवली चलता रहेगा, ठीक है, दिस इज नथिंग बट माइनस ओवर हियर। अब आप कर देंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस दिस दिस, टू की जगह आपका आ जाएगा थ्री नॉन टचिंग लूप्स, क्लियर है, कहानी आपको समझ में आई, तो डेल की वैल्यू निकालना समझ में आ गई, डेल सिस्टम का डिटरमिनेंट है, क्वेश्चन लूंगा तो सब समझ में आएगा, सो व्हाट इज दिस डेल एन, ये डेल एन जो है ये भी सिस्टम डिटरमिनेंट है, सिस्टम डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट विथ रिस्पेक्ट टू nth पाथ, मतलब इसको जब आप फाइंड करोगे तो आपका जो रेफरेंस वो कौन रहने वाला है, nth पाथ, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझाऊंगा, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जो कि आपने देख लिया है, जो सारी वैल्यू रिक्वायर्ड है हमने सब ले ली है, अब क्वेश्चन एक लेता हूं और आपको ये मैं क्लियर करता हूं, ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन लिया और इस क्वेश्चन में मैं पूरा आपको गेन निकालना सिखा दूंगा मेशन गेन फॉर्मूले से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द गेन, मतलब सी बाय आर, सिंपल सा पूछा है, फोर ऑप्शंस आपके पास हैं, फाइंड आउट करना है, चलिए ध्यान से देखिए जरा, मेशन गेन की बात हो रही है, फॉर्मूला उससे हम इसका ट्रांसफर फंक्शन डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला अब आपको सबको पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज नथिंग बट एन इक्वल टू वन टू के, दिस इज नथिंग बट पी एन डेल एन डिवाइड बाई डेल, ठीक है, यू नो एवरीथिंग कि पी क्या है और डेल क्या है, ठीक है, तो नंबर ऑफ पाथ चाहिए अपने को इनपुट से आउटपुट तक जाने के, तो चलो सबसे पहले हम पाथ फाइंड करते हैं, ठीक है, सबसे पहला पाथ पी वन है, यहां से गए और डायरेक्ट इधर आ गए, तो पाथ का गेन डायरेक्ट बोल दो, अपने को गेन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, चलिए 2 × 3 × 4 कितना हो गया आपका 24, ये पाथ गेन आ गया, ठीक है, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर द पाथ, यदि पीथ पाथ है तो उसका गेन की बात हो रही है, गेन ऑफ द पीथ पाथ या पी एन पाथ, ठीक है, बात समझ में आ गई, गेन की बात हो रही है, सो ऑल दिस थिंग आर गेन, ठीक, चलिए पी टू है क्या सिस्टम में, पी टू है क्या, कहाँ है, ये रहा, इधर गए फिर इधर गए, नो नोट्स आर रिपीटिंग, नोट्स रिपीट नहीं होना चाहिए पाथ में, तो इधर जाने का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, यहां आ गए और पांच से होते डायरेक्ट आउट, ये भी पाथ है क्या, हाँ है सर, नो नोट काउंटेड ट्वाइस, चलिए गेन बताइए, 1 × 5 × 1 कितना हो गया गेन 5, कितने पाथ है इसमें, ओनली 2 पाथ है सर, ठीक है, अब तीसरा पाथ हो तो बताइए, नहीं है,
चलिए लूप की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लूप की। तो लूप का भी डायरेक्टली गेन मैं लिख रहा हूं, इंडिविजुअल लूप्स की बात कर रहा हूं। तो देखिए जरा, ये लूप है क्या, रेड पेन ले लेता हूं, ये आपका लूप है क्या बताइए। वन से स्टार्ट हुए, इस पॉइंट से स्टार्ट हुए, नॉट वन, ये पॉइंट से स्टार्ट हुए, ऐसे गए और ऐसे आ गए, तो ये लूप है क्या, है सर, L1 है। ये है क्या, L2 है। ये है क्या, L3 है, है ना, यस और नो। चलिए लूप गेन डायरेक्टली लिख लेना है अपने को, तो लूप गेन बताइए जरा, इसका लूप गेन बताइए, 2 मल्टीप्लाई विथ माइनस 1, लूप 1 कितनी ब्रांच से मिलके बना, ओनली दो ब्रांच से, लूप गेन क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। L2 की बात करो, लूप सेकंड की, माइनस 3 हो जाएगा। ध्यान से देखो, L3 कितना हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चे यहां तक समझते हैं कि इतना ही लूप है और कहानी हो जाती खत्म। ध्यान से देखना है, लूप क्लोज पाथ है, जहां से स्टार्ट करना वहीं पे एंड करना, एक भी नोट डबल काउंट नहीं होना। एक और लूप है बड़ा सा, ध्यान से देखिएगा जरा, मैंने स्टार्ट किया यहां से, मैं गया इधर, इधर होते हुए वापिस आ गया, क्या ये लूप नहीं है, क्या लूप है ना, यस लूप है। तो उस लूप का आप बोल दीजिए जरा, L4 दे दीजिए, गेन बोल दीजिए आपका 5 मल्टीप्लाई विथ माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ माइनस 1, सो दिस इज नथिंग बट 5। लूप्स हो गए, इंडिविजुअल लूप्स हो गए, चलिए लूप्स हो गए इंडिविजुअल। अब बात करते हैं नॉन टचिंग लूप्स की, अब बात करते हैं नॉन टचिंग लूप्स, नॉन टचिंग लूप्स। और नॉन टचिंग लूप्स में सबसे पहले हम बात करेंगे टू नॉन टचिंग लूप्स, टू नॉन टचिंग लूप्स, फिर देखेंगे थ्री नॉन टचिंग लूप्स, फिर देखेंगे यदि फोर हो तो, एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए वन बाय वन आगे बढ़ते हैं, टू नॉन टचिंग लूप्स देखिए, दिख रहे हैं क्या, ऐसे लूप जो एक दूसरे को टच नहीं करते। हाँ सर, L1 L2 एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, L1 L2 टच कर रहा है, L2 L3 टच कर रहा है, लेकिन L3 और L1 एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो उनका गेन बोल दीजिए, किसका, L1 एंड L3 जो कि नॉन टचिंग लूप है, डायरेक्टली गेन बोल दीजिए, माइनस टू मल्टीप्लाई विथ माइनस फोर, सो दिस इज नथिंग बट एट। ओनली टू नॉन टचिंग लूप्स का एक ही पेयर आपके पास है, इसके अलावा कोई हो तो बता दीजिए, क्या ऐसा है क्या कि L2 ये L4 से नॉन टच है, नहीं, L4 और L2 में भी कॉमन है, L3 L1 में भी कॉमन है, ध्यान से देखिएगा जरा। अब आप मुझे बताइए, थ्री नॉन टचिंग लूप्स है क्या, ये तीनों तो टच कर रहे हैं ना, तो थ्री है क्या, नहीं है, तो ये कहानी यहां से खत्म हो गई, कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब हम डेल फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, डेल, क्योंकि आपको फॉर्मूले में पुट करने के लिए पी एन की वैल्यू मिल गई, पी वन प्लस पी टू प्लस जितने भी आ रहे हो, ठीक है, आपको मिल गया, आपको डेल मिल गया, क्यों, क्योंकि आपने लूप्स निकाल लिए हैं सारे, तो अभी डेल निकाल लेते हैं, डेल की डेफिनेशन निकाल लेते हैं, डेल का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए डेल की वैल्यू निकालते हैं, पहले डेल इज नथिंग बट वन माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स, ये इंडिविजुअल लूप गेन्स है ना, ये जो है इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल लूप्स हैं ये, तो सम ऑफ द लूप गेन्स सभी को जोड़ना, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, ठीक है, प्लस प्लस सम ऑफ नॉन टचिंग लूप्स, नॉन टचिंग लूप गेन्स कितना है, एट है, माइनस थ्री है क्या, नहीं है, जीरो, ठीक। तो देखते हैं क्या आ रहा जरा, सो वन प्लस पांच चार नौ पांच चौदह प्लस एट, सो दिस इज नथिंग बट ट्वेंटी थ्री, सो डेल की वैल्यू क्या आई, ट्वेंटी थ्री आई, ट्वेंटी थ्री आई, किसकी वैल्यू, ओवरऑल डेल की वैल्यू, ठीक है। तो देखो पी एन जो है, कितने पाथ है आपके टोटल, दो पाथ है, तो पी वन भी आ गया, पी टू भी आ गया, तो डेल एन भी लिखा है ना, तो डेल एन भी क्या क्या आएगा आपका, दो आएंगे, डेल वन और डेल टू, तो डेल वन किसके रिस्पेक्ट में आएगा,
P1 के रिस्पेक्ट में, P2 के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, डेल 2 कैसे आएगा देखिएगा जरा, ये भी डिटरमिनेंट है बट P1 के रिस्पेक्ट में और दूसरा P2 के रिस्पेक्ट में। चलिए डेल 1 की वैल्यू हम निकालना सिखाते हैं आपको, ठीक है, इतना हो गया आपका। अब डेल 1 की वैल्यू निकालना सिखाते हैं। 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स, फॉर्मूला वही है बट रेफरेंस आपका P1 है, रेफरेंस कौन है, रेफरेंस P1 इज द रेफरेंस, तो इसका मतलब क्या कि 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन्स लिखिए बट जो इस पाथ से डिटेच्ड हो, जो इस पाथ में कॉमन ना हो, जो इस पाथ के ना हो, वो सम ऑफ द इंडिविजुअल लूप गेन्स करना है, ठीक है। पाथ कहां है आपका, P1 है, वेयर इज द पाथ P1, हियर इज द पाथ P1, ठीक है, हियर इज द पाथ P1। नाउ एक भी लूप बताओ जो इससे टच में नहीं है, एक भी लूप बताओ जो इससे टच में नहीं है, सारे टच में है, ये भी टच में, ये भी टच में, ये भी टच में, ये भी टच में, बिकॉज दिस इज योर पाथ, ये है आपका पाथ P1, आपका पाथ P1 है। ऐसा कोई सा लूप जो इससे डिटेच हो, फॉर्मूला वही है, 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स, कौन से सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स जो कि डिटेच फ्रॉम P1, ठीक है, सम ऑफ द इंडिविजुअल लूप गेन्स विच आर Not common with given path या reference path, समझ में आ गई बात, ठीक है, एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू रखना है। तो अब आप मुझे बताइए डेल वन की वैल्यू जब हम निकालने जा रहे हैं डेल वन की, तो 1 माइनस कोई सा ऐसा लूप है जो पाथ P1 से कनेक्टेड नहीं है, नहीं है सर, सो दिस इज नथिंग बट 1। डेल 1 की वैल्यू हो गई आपकी 1, ध्यान रखिएगा इसके रिस्पेक्ट में, डेल 1 जो चाहिए रहेगा उसकी वैल्यू आ गई है 1, ठीक। अब डेल 2 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो चलिए डेल 2 फॉर्मूला वही, 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स जो कि पाथ P2 से कनेक्टेड ना हो, वेयर इज द पाथ P2, हियर इज द पाथ P2, ठीक है। अब पाथ P2 से कोई ऐसा लूप है जो कनेक्टेड नहीं है, एडवांस प्रॉब्लम लिया मैंने ताकि पहली बार में ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आने वाले टाइम में कोई डाउट आए ही नहीं, ठीक है। आपने पाथ लिया सर, ये P2 लिया, यस और नो, P2 से L1 कनेक्टेड है क्या, हाँ है कनेक्टेड, कहाँ पे, यहाँ पे। L3 कनेक्टेड है क्या, हाँ है यहाँ पे। ये बड़ा वाला लूप कनेक्टेड है क्या, हाँ है, लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है, देखो इसको ध्यान से, ये अपने पाथ P2 से कनेक्टेड है क्या, नहीं है। तो 1 माइनस जो सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स में इसकी एंट्री हो जाएगी, अगेन कंफ्यूज नहीं होना प्यारे बच्चे, फिर से बोल दे रहा हूं, 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स विच आर नॉट कॉमन विद द गिवन पाथ, ठीक है, ये लूप क्या इससे कॉमन है, नहीं। तो डेफिनेशन इज प्रूव ना, सम ऑफ द इंडिविजुअल लूप गेन्स विच आर नॉट कॉमन विथ गिवन पाथ, गिवन पाथ है P2, बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग डेल 2, सो पाथ से जो कनेक्टेड लूप नहीं है वो है -3 गेन की बात कर रहा हूं, सो दिस इज नथिंग बट फोर। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं P2 में भी, क्योंकि अक्सर डेल 1 और डेल 2 डेल 3 की वैल्यू अक्सर 90% आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे इवन गेट के भी तो 1 आती है, अब बच्चे 1 लेके चल जाते हैं, ठीक, एडवांस प्रॉब्लम मैंने ली तो इसमें तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जब एडवांस प्रॉब्लम ली तो आपने 4 निकाल लिया, अदरवाइज आप 1 ही ले लेते, मिस्टेक, गलती, तो गलत ऑप्शन भी अवेलेबल है यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा। अब एवरीथिंग इज देयर, नाउ आपको क्या करना, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला सो मैं यहाँ डायरेक्ट आपकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ फार्मूला है आपका, देखिएगा जरा, टी जो कि गेन है, ठीक है, तो आप समेशन को एक्सपांड करेंगे तो क्या बनेगा इक्वेशन बनेगा P1 del 1 plus P2 del 2 divide by delta, यस और नो, सिंपल सी बात है। चलिए P1 की वैल्यू मुझे बताइए, P1 की वैल्यू है 24,
मल्टीप्लाई विथ डेल वन जो कि है 1 प्लस पी टू की वैल्यू बताइए, पी टू की वैल्यू है 5, पी टू की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है, और एक्सट्रीमली सॉरी, चलिए 5 है, मल्टीप्लाई विथ क्या है 4, ठीक है, बिकॉज डेल टू की वैल्यू कितनी है 4 है, डेल टू की वैल्यू 4 है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई डेल जो है 23, सो दिस इज नथिंग बट 24 प्लस 20 डिवाइड बाई 23, सो दिस इज नथिंग बट 44 डिवाइड बाई 23, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, इज इट ओके। नाउ चलिए मान लो क्या होता, मान लो डेल टू की वैल्यू आप नहीं निकालते, डेल टू की वैल्यू आप नहीं निकालते, उस केस में आपका आंसर क्या हो जाता, 24 प्लस 5 डिवाइड बाई 23, सो दिस इज नथिंग बट 29 बाई 23, तो हियर ऑप्शन नहीं है तो काम आपका चल जाता, ठीक है। चलिए तो फिर इतना आपने कंप्लीट कर लिया है, ये क्वेश्चन समझ लिया है, अब कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेंगे। अच्छा एक और चीज समझेंगे कि सर यदि ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है आपके पास, उसका ट्रांसफर फंक्शन पूछा है, तो सबसे पहले तो आप इस ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन टेक्निक में जो दिया गया है इसको SFG में कन्वर्ट करेंगे ना, क्योंकि SFG में कन्वर्ट करेंगे तभी मेसन्स गेन फॉर्मूला लगा पाएंगे ना उसी के बाद, तो ध्यान रखिएगा कि मेसन गेन फॉर्मूला जो है वो SFG में लगाते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के कुछ क्वेश्चन लेंगे, उन्हें हम कन्वर्ट करेंगे SFG में, देन वी विल अप्लाई द मेसन्स गेन फॉर्मूला और ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है।